सच दिखाते हैं हम ताकि झूठ के बाजार में सच फीका ना पड़ जाए कहीं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। कुरसैला के समेली प्रखंड के पश्चिमी चांदपुर पंचायत अंतर्गत धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय कृष्णनगर नरहैया के प्रांगण में 4,40,00,000 रुपए की लागत से निर्माण कराए गए पावर सब स्टेशन का उद्घाटन बरारी के विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज कुमार यादव द्वारा फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। यह विद्युत शक्ति उपकेंद्र 3311 केवी का है जिससे पूरे समेली प्रखंड वासियों को लाभ मिलेगा। बरारी विधायक नीरज कुमार यादव ने कहा कि पहले कुरसैला पावर ग्रिड से ही समेली प्रखंड में बिजली सप्लाई की जाती थी। लंबे फीडर होने के कारण तथा कुरसैला पावर ग्रिड पर ज्यादा लोड होने के कारण आए दिन बिजली की समस्या उत्पन्न होती थी। जनता की इसी परेशानी को दूर करने के लिए समेली प्रखंड में पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है। वहीं इस मांग के पूरा होने पर प्रखंड वासियों में खुशी देखी जा रही है। सर, नरहिया में जो पावर ग्रिड बना है 33,000 का, कहाँ का बिजली मिलेगी और पहले कहाँ से मिलता था? पहले जो था समेली ब्लॉक में कुरसैला पीएसएस से बिजली मिलता था। अभी इस नया पावर हाउस चालू होने के बाद अब यहीं से समेली ब्लॉक में बिजली सप्लाई होगा। अच्छा, कहाँ कहाँ मिलेगा? जैसे इसमें 8 पंचायत जो है सब में मिलेगा, जैसे समेली, डुमर, पुठिया, आपका मलहरिया, कुशियारी, चुहार, सब में यहीं से बिजली आपूर्ति की जाएगी। पहले जो समस्या आती थी ब्रेकडाउन का, शॉर्ट आउट का, हाँ, अब जो पहले फीडर काफी लंबा था जिसके चलते ब्रेकडाउन ज्यादा होता था। अब पीएसएस बनने से फीडर का लंबाई छोटा होगा जिसके चलते उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली मिल पाएगी। कितना ट्रांसफार्मर लगाया गया दोनों? यहाँ पे 2 पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया था, 5 MVA कैपेसिटी का दोनों है। किस कंपनी के द्वारा? ये कैपकॉन कंपनी के द्वारा काम किया गया है। सर, शुभ नाम? मेरा जी प्रकाश कुमार, कनीय विद्युत अभियंता, कुरसैला। नरहिया पावर ग्रिड का आज उद्घाटन हुआ है, कितने राशि से लागत है, कहाँ कहाँ बिजली मिलेगी इस क्षेत्र को? कनीय अभियंता है, बताएंगे राशि का, हमको तो एग्जैक्ट याद नहीं। 4 करोड़ की लागत से। सर, कहाँ कहाँ तक बिजली मिलेगी इस क्षेत्र में? समेली प्रखंड के 8 पंचायत का डिस्ट्रीब्यूशन इसी पीएसएस से होना है। कुछ काम अधूरा है, पोल का, शिफ्टिंग का, वो सब हमको लगता है कि लोग 1-10 दिन में कर देंगे। करके अब यहीं से, हाँ हाँ, लक्ष्य निर्धारित है। जिन गांव में बिजली नहीं पहुंच पा रही थी समेली में, क्या अब वहां बिजली मिल पाएगी? अब समेली आत्मनिर्भर हो गया इससे, तो अपना खुद उनका बिजली हो गया। अब ये सभी पंचायतों में देंगे बिजली, नरहिया गांव ही बिजली देगा पूरे प्रखंड। ये बहुत बुरी आदमी घर में कोठी रखता है ना, अनाज रखने का भंडारण, बिजली का भंडारण नरहिया गांव में हो गया, यहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ऊर्जा का भंडारण बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गांव के लिए।